बिल्कुल, ये तो देखिए बिल्कुल ही जो आपने कहा वो ठीक बात है, क्योंकि जब भी बारिश या कोई भी चीज होगी, देखिए जब खुले एरिया में होगी तो वो बहुत तेजी से जो है बारिश इधर से उधर हवा में स्प्रेड हो जाएगा या नीचे गिर जाएगा जी। और ड्राई एरिया होगा तो वो वहां पे बारिश थोड़े देर रहता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जाकर वो बंद एरिया है, क्लोज एयर है जहां वेंटिलेशन नहीं हो रहा, तो वायरस उसी एरिया में लगातार सर्कुलेट करता रहता है। खासतौर से अगर मान लीजिए सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है और उसमें क्योंकि उसको मौसम माहौल ऐसा मिल जाता है, वायरस लंबे समय तक वहां पर रह सकता है जिंदा और वो सर्कुलेट कर सकता है, और उस एरिया में चूंकि वेंटिलेशन नहीं है तो अगर जो ज्यादा लोग हैं और मान लीजिए कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है वो वायरस स्प्रेडिंग कर रहा है, वो वायरस उस एरिया में है, तो जिन लोगों ने भी अपने गार्ड डाउन किए हैं, मास्क हटा दिए या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, तो वो वायरस उनको भी पकड़ सकता है। तो ये बिल्कुल निश्चित है कि जब भी हम लोग कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि भाई क्लोज डोर में सिर्फ फैमिली मेंबर हैं वही रहें, बाकी लोग अगर पॉसिबल है, जैसे अगर आपको कोई मीटिंग भी करनी है तो जहां तक पॉसिबल है वेंटिलेटेड रूम हो, या खुले एरिया में अगर आप कोई भी जैसे सार्वजनिक पार्क हैं या खुले मैदान है या खुले में आप मीटिंग करते हैं तो वायरस का खतरा बहुत कम हो जाता है।